हेलो टू एवरीवन। तो भाई लोग मैं होप करता हूँ आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और व्लॉग विद जाती न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई लोग आज मैं आपके सामने आया हूँ दो प्रीमियम हैचबैक्स के साथ, क्योंकि एक अच्छा खासा कंपटीशन है दोनों ही गाड़ियों में। और अगर कोई भी गाड़ी लेने जाता है तो उसे ये जरूर कन्फ्यूजन होता है कि हम ह्यूंडई की साइड जाएं, मारुति की साइड जाएं, कौन किसकी गाड़ियां ज्यादा अच्छी हैं, कौन आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी देता है। तो भाई इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, आपको किस कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और क्या क्या उसमें फीचर्स होने चाहिए, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, काफी काम आने वाली वीडियो है आपके लिए। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन, लेट्स गो। हाँ तो भाई लोग, वो जो दो प्रीमियम हैचबैक है वो है बलेनो डेल्टा और दूसरी है i20 स्पोर्ट्स। बेसिकली डेल्टा के चार वेरिएंट आते हैं, अल्फा, जेटा, डेल्टा और सिग्मा। और i20 के चार वेरिएंट आते हैं, आता है एस्टा, मैग्मा, स्पोर्ट्स जी और आता है एरा। तो आज हमने बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट लिया है, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी भी होता है और काफी ठीक है इस प्राइस रेंज में, ये सही मेरे को वेरिएंट लगे हैं। तो जैसे हम बात कर लेते हैं बलेनो डेल्टा की और हम बात करेंगे i20 स्पोर्ट्स जी की। अब सबसे पहले बात करते हैं बलेनो डेल्टा की प्राइसिंग की, तो 7,52,000 ऑन रोड आगरा में आपको मिल जाएगी। अगर हम बात कर लें i20 स्पोर्ट्स जी की प्राइसिंग की, तो वो पड़ जाएगी 8,78,000 ऑन रोड इन आगरा। तो भाई ये तो होगी प्राइसिंग की, बेसिकली 1,20,000 के आसपास का दोनों गाड़ियों में फर्क है। लेकिन ये फर्क वर्थ है या नहीं है ये तो वीडियो देख कर ही आपको मालूम पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई लोग इसके लुक्स के बारे में। फ्रंट से मैं आपको बताऊं ना, हमने इस लुक बिल्कुल स्पोर्टी लुक दिया और इतना प्यारा लुक है, थोड़ी फ्यूचरिस्टिक सी गाड़ी है। बट जो हमारी बलेनो डेल्टा है उसमें 2016 से फेसलिफ्ट आया, बट कोई खासा उसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो मैं उसमें लुक्स के मामले में सामने से तो i20 बहुत अच्छी है, बलेनो जाने दो, कोई खासा अच्छी नहीं है। तो अगर ऐसे बताऊं तो अगर पीछे के लुक्स की बात कर लें तो दोनों गाड़ियां ठीक ठीक ही लगती हैं, क्योंकि जैसे i20 को देखो पीछे से थोड़ी सी ऊपर से सही शेप है, फिर नीचे चेंज होगी, और बलेनो का तो जाने दो। तो लुक्स के मामले में देखा जाए तो i20 ए क्लास, बहुत अच्छे लुक्स दिए गए। अब बात कर लेते हैं इनकी हेडलाइट्स की। तो हेडलाइट्स जो हमें i20 मिलती है वो मिलती है हेलोजन, और हमें बलेनो में मिल जाती है प्रोजेक्टर हेडलाइट्स। तो भाई ये अच्छा फीचर है थोड़ा सा, क्योंकि हेडलाइट्स प्रोजेक्टर बलेनो सिग्मा छोड़कर अपने बेस वेरिएंट के ऊपर वाले वेरिएंट से सब में प्रोजेक्टर देता है। तो ये काफी अच्छा फीचर मुझे लगा कि प्रोजेक्टर थोड़ा सा उसकी रोशनी भी अच्छी होती है और काफी यूजफुल हो जाती है। अब अगर बात कर लें तो भाई लोग इसके टायर्स की, तो बेसिकली दोनों में स्टील रिम टायर्स ही आते हैं, बट जो बलेनो का 15 इंचेस का टायर आता है और i20 में वहीं 16 इंचेस का टायर हमें मिल जाता है। अगर प्रोफाइल की बात करें तो बलेनो के टायर की प्रोफाइल हमें मिल जाती है 185/65R15, और वहीं i20 के टायर की प्रोफाइल मिल जाती है 195/55R16। ये जो इसके इंटीरियर के पार्ट है, बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें हमें इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो मिलता है ना बलेनो में, वो मिलता है एनालॉग और डिजिटल, बट हमें जो स्पोर्ट्स में मिलता है ना वो मिलता है डिजिटल, और काफी स्पोर्ट्स वाला लुक है इसका, बहुत ज्यादा सही लग रहा है और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। अब हम बात कर लें इसके जो सेफ्टी फीचर्स हैं, वो दोनों गाड़ियों में सेम से ही मिल जाते हैं, लगभग दो एयरबैग्स दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। बट अगर बात कर लें ब्रेक असिस्ट की, वो हमें i20 में नहीं मिलता है, वो हमें मिल जाता है बलेनो में। एक ये छोटा सा फीचर है और ये भी होना जरूरी था मेरे हिसाब से i20 में। अब हम बात कर लेते हैं गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों गाड़ियों की लेंथ बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, 3,995 mm की लेंथ मिल जाती है। लेकिन अगर विड्थ की बात करें तो बलेनो की जो विड्थ है वो 1,745 mm है, जो कि 30 mm कम है i20 से। हाइट की बात कर लें तो वो है 1,510 mm, जो कि 5 mm ज़्यादा है i20 से। और अगर व्हील बेस की बात कर लें तो वो मिल जाता है 2,520 mm, जो कि 60 mm कम है i20 से। और दोनों गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल सेम है, 170 mm का। इन दोनों गाड़ियों के अगर माइलेज की बात कर लें तो बलेनो जो एवरेज देती है वो देती है 21.01 kmpl का, और i20 देती है 20.35 kmpl का। बेसिकली एवरेज कंपनी क्लेम करती है, बाकी सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप गाड़ी को चला पाते हो। ये तो भाई लोग हो गए इसके पूरे एक्सटीरियर की बात, चलते हैं इसके इंटीरियर में, फिर देखते हैं वहां क्या क्या फर्क मिलता है हमें। सबसे पहले हम उठाएंगे स्टेयरिंग व्हील को। तो स्टेयरिंग व्हील बलेनो में हमें मिलता है केवल टिल्ट, और हमें i20 मिल जाता है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। बेसिकली आप इसे ऊपर नीचे और आगे पीछे दोनों तरह से कर सकते हो, ये होता है टिल्ट और टेलीस्कोपिक का मतलब। अब हम पीछे वाली सीट की बात करें तो बलेनो में यहाँ एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ 60-40 की स्प्लिट आपको मिल जाती है, और यहीं i20 में ऐसी कोई भी स्प्लिट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती है। अगर एक और अच्छा डिफरेंस बताऊं, जैसे कि अगर बात कर लेते हैं हम इसके स्टीरियो की, इसमें मैं बलेनो में नो
एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले हमें मिलता ही नहीं है, बट हमें i20 में एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दिया गया है और बैक कैमरे के साथ हमें ये चीज मिलती है। तो ये मुझे काफी अच्छा फीचर लगा है। बेसिकली बैक कैमरा आज के टाइम पे जरूरी हो गया है क्योंकि छोटी मोटी चीजें नहीं दिख पाती और एक्सीडेंट से बचाता है वो हमें बैक कैमरा, इस चीज में वो काम करता है। और अगर मैं एक और मेन चीज आपको बताऊं वो ये है कि कूलेंट ग्लव बॉक्स हमें मिल जाता है i20 में, और हमें बलेनो में कूलेंट ग्लव बॉक्स नहीं मिलता, ना ही हमें सनग्लास होल्डर मिलता है। और जो इंटीरियर फीचर्स की बात करें ना, उसमें i20 काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। बट अगर बात कर लें बूट स्पेस की, तो भाई बलेनो में हमें 339 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, और वहीं अगर देखें i20 की तो 311 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो कि 28 लीटर की बूट स्पेस कम है। बट अगर लेंथ सेम है तो अंदर की जो स्पेस है ना वो i20 में थोड़ी सी ज्यादा, इस चक्कर में वाला सीन है। हाँ तो भाई लोग, अगर इन दोनों गाड़ियों की ताकत की बात करें तो 1200 सीसी का दोनों गाड़ियों में इंजन मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 82 bhp 6000 rpm पे। बेसिकली दोनों गाड़ियों का इंजन सेम पावर जनरेट करता है, बस थोड़ा सा टॉर्की जो है वो बलेनो का इंजन कम है क्योंकि वो 113 nm का टॉर्क जनरेट करता है, और जो i20 का इंजन है वो 115 nm का टॉर्क जनरेट करता है। हाँ तो भाई लोग, अगर इन दोनों गाड़ियों की आफ्टर सेल सर्विसेज की बात कर लें तो भाई लोग मारुति मच बेटर है योंडे से। आई नो योंडे की गाड़ियाँ काफी ज्यादा पावरफुल है मारुति की गाड़ियों से, सेफ्टी फीचर के मामले में भी और बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी, बट आफ्टर सेल सर्विसेज की अगर बात करें तो उसमें मारुति काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि उसके काफी ज्यादा सर्विस सेंटर्स है और वो थोड़ा कस्टमर डीलिंग अच्छे से कर पाती है, जितना मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है। बस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी अगर आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये आपके पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। हाँ तो भाई लोग, ये थे इन दोनों गाड़ियों के बेसिक डिफरेंसेस जो मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगे हैं। बाकी अगर आपको कोई और डिफरेंस पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर देखा जाए तो इस प्राइस सेगमेंट में हमें और भी गाड़ियां मिल जाती हैं, जैसे हमें मिल जाती है मोस्ट पावरफुल टाटा एल्ट्रॉस, उसकी वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊंगा, बलेनो के साथ कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे उन दोनों गाड़ियों में कौन सी गाड़ी ज्यादा अच्छी है। हाँ तो भाई लोग, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और भाई सब्सक्राइब करो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, काफी ज्यादा जरूरत है सब्सक्राइब की, हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा नजदीक हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए, हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, मिलते हैं अगली वीडियो।